स्टूडेंट वेलकम वंस अगेन टू योर ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट वाली वीडियो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 और 8 बताया था एक्सरसाइज 5A का। इस वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 और आगे जितने भी क्वेश्चंस हो सकेंगे उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लास्ट वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखा जहाँ पे हमें बहुत सारे फॉर्मूलाज को यूज़ करना आपको सिखाया था, तो उस वीडियो का भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और भी कई चैप्टर्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं या ऊपर आई बटन में क्लिक करके भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है, सॉरी 9। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर्स, यानी ये जो हमें नंबर्स दिए हुए हैं है ना एक्सपोनेंट के फॉर्म में, पावर वाले फॉर्म में, इसे सॉल्व करना है हमें नॉर्मल नंबर में और उसके बाद उसे रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर देना है। यानी कुछ नहीं, जैसे आपने 7 और 8 पढ़ा था ना, सेम उसी तरीके से यहाँ भी आपको फॉर्मूलाज यूज़ करने हैं और इनको ईजिली सॉल्व कर देने हैं। तो चलिए आइए जल्दी से इन्हें सॉल्व करना मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे ये जो नंबर्स हैं ईजिली आप सॉल्व करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। फर्स्ट भी सेम टू सेम इसी तरीके से बनेगा, वहाँ पे पावर में माइनस वाले नंबर है लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो बेस नंबर है वो माइनस में था, इसलिए मैं ये वाला ले लेता हूँ, क्योंकि ये अगर आप समझ जाएंगे तो फर्स्ट आपसे सॉल्व हो ही जाएगा। तो सबसे पहले हम इसे ही समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि पावर में अगर माइनस वाला नंबर है तो हमने क्या पढ़ा है, एक फार्मूला कि ए के पावर में अगर माइनस एम है या फिर कोई भी नंबर, माइनस एन ले लीजिए, एन फोर नंबर, कोई भी नंबर है ए के पावर में माइनस में, तो वो क्या हो जाता है, उसके रेसिप्रोकॉल में हम उसे चेंज कर देते हैं। यानी कि एक के नीचे एक वन छुपा रहता है, ये तो हमें पता ही है ना, तो ये वन ऊपर आ जाता है और ए नीचे आ जाता है और पावर में जो माइनस वाला नंबर है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ये फार्मूला था हमारा, तो वही फार्मूला आपको यहाँ पे पुट कर देना है। फार्मूला लिखना जरूर है कॉपी में, जब भी आप फार्मूला कोई भी लगाए ना क्वेश्चन में सॉल्यूशन में, तो उसका फार्मूला जरूर बता दें कि मैंने यहाँ पे ये वाला फार्मूला पुट किया है। तो अब ये क्या हो जाएगा हमारा, माइनस टू है तो माइनस टू नीचे चल जाएगा और नीचे वाला इसे हम एक बार इस तरीके से लिख सकते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। माइनस टू डिवाइडेड बाई वन के पावर में माइनस फाइव, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। डिवाइड में वन लगाएंगे तो कोई तो उससे वैल्यू चेंज होने वाला है नहीं, डिनोमिनेटर में वन का कोई वैल्यू होता ही नहीं है, तो हम यहाँ पे इस तरीके से लिख लेंगे एक स्टेप में, और सेकेंड स्टेप में हम इसे कन्वर्ट कर देंगे। तो वन हमारा ऊपर चल जाएगा, टू नीचे आ जाएगा और ये जो पावर में फाइव है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब दूसरी बात, ये जो टू था हमारे यहाँ पे माइनस था, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि कभी भी जब कोई भी नंबर ऊपर नीचे चेंज होता है तो माइनस का साइन आ तो जाता है नीचे, ये जो माइनस टू है वो नीचे माइनस टू बन के आ जाएगा, लेकिन जो एक्सटेंडेड फॉर्म होता है रैशनल नंबर का उसमें जो माइनस का साइन रहता है वो कहाँ पे रहता है, हमारा ऊपर में रहता है। तो अगर आपके टीचर बोलते हैं कि नहीं आपको पहले यहाँ पे माइनस टू लिखना है उसके बाद फिर उसे कन्वर्ट करके ऊपर ले जाना है माइनस को, कौन से फार्मूला से, माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस वन जो हम लोग करते थे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर वाले चैप्टर में, उस तरीके से, तो आप उस तरीके से करें। अदरवाइज आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यानी कि माइनस को आप डायरेक्ट ही ऊपर माइनस वन लिख सकते हैं, समझ में आ गया बात। तो अगर आप टीचर बोलते हैं नहीं आपको स्टेप बाय स्टेप करना है तो आप इस तरीके से एक बार लिख लें, उसके बाद वन का मल्टीप्लाई कर दें माइनस वन से और नीचे माइनस टू का भी मल्टीप्लाई कर दें माइनस वन से और पावर में जो है उसे एज इट इज उतार दें, तो आपका वन वन जा वन हो जाएगा लेकिन प्लस और माइनस माइनस बन जाएगा और नीचे टू टू जा सॉरी टू वन जा टू हो जाएगा लेकिन माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तब हमारा ये यहाँ पे चेंज हो गया। तो इसके बाद मैं तो डायरेक्ट सजेस्ट करता हूँ कि ये स्टेप लिखें, क्योंकि बच्चे ने चैप्टर 4 में रैशनल नंबर में ये समझ के आ गया है। ये कब हम करते हैं, जब समझ में ना आए बच्चों को तब हम ये बारे में इसके बारे में पढ़ाते हैं, ठीक। तो डायरेक्ट आप ये स्टेप ही लिखें, लेकिन अगर आपके टीचर सजेस्ट करते हैं नहीं आप पहले ये लिखें फिर इस तरीके से कन्वर्ट करके ये लिखें, तो फिर आप टीचर के अकॉर्डिंग आप सॉल्व करेंगे, ठीक। तो ये हो गया हमारा और पावर में है हमारे पास 5, ठीक है। तो अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वन के पावर में 5 और नीचे 2 के पावर में 5, ठीक है। तो अब ये माइनस वन के पावर में कभी भी, जब मैंने आपको ट्रिक बताया शॉर्ट ट्रिक कि माइनस वन के पावर में अगर कोई ऑड नंबर है, क्या ऑड नंबर जैसे 3, 5, 7, तो आंसर हमारा माइनस वन ही रहता है, और अगर कोई पावर में इवेंट नंबर है जैसे 2, 4, 6, 100, 200 है ना 244, इस तरीके से कोई भी अगर पावर में इवेंट नंबर है तो आंसर हमारा प्लस वन आ जाता है, ठीक। तो यहाँ पे हमारा माइनस वन रहेगा क्योंकि पावर में ऑड नंबर है, और नीचे में हमारा 2 मल्टीप्लाई 5 टाइम हम जब करेंगे तो 4 टाइम पे हमारा कितना होता है 32 होता है, नहीं सॉरी 2 2 जा 4, ठीक है, 1 टाइम पे, फिर 4 2 जा हमारा हो जाएगा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32, यानी कि 2 के पावर में अगर 5 है तो उसे हम 32 लिखेंगे। आप चाहें तो इसे इस तरीके से मल्टीप्लाई भी करके दिखा सकते हैं 5 टाइम, इस तरीके से एक बार लिख लें 2 के पावर में 5 है तो 1 2 3 4 5 टाइम, और उसके बाद माइनस वन यहाँ पे हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा
32, तो 1/32 इसका आंसर हो जाएगा, -1/32, इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था, ठीक है ना। ये यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, इसे थोड़ा सा आपको टाइम लगा समझने में। अभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन से आप इजीली सॉल्व करते चलेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा 3, 4 जो है वो सेम टाइप के क्वेश्चन हैं, तो चलिए उनमें से एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में पावर में एक -16 नंबर है, तो सबसे पहले हम वही फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है ना, जो फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। फेयर कॉपी में जब भी आप सॉल्व करें तो कितना हो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लें आपको फॉर्मूला लिखना है। यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट समझा रहा हूँ, इसलिए एक बार मैंने फॉर्मूला बता दिया, अब इस बार हम डायरेक्ट इसे सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये जो है रेसिप्रोकॉल में चेंज हो जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, 4 ऊपर चल जाएगा और ये प्लस में चेंज हो जाएगा। तो हम इसे इस टाइप से लिख लेंगे 4/3, और मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे माइनस का साइन ऊपर में ही रहता है, तो हम ऊपर में ही लिख देंगे। अगर आपको, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि टीचर आपको सजेस्ट करते हैं, तो उसी तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले -3 नीचे लिखें, फिर -1 × -1 करके ऊपर में माइनस को ले आएँ। अब ये हमारा हो जाएगा पावर में 3, समझ में आ गया बात। तो ये हमारा डायरेक्ट इसके बाद ये स्टेप हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, ब्रैकेट ओपन कर देना है और इसको सॉल्व कर देना है। तो -4 के पावर में ये हो जाएगा 3 और नीचे में 3 के पावर में 3, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये हो जाएगा 4 × माइनस है, तो -4 × -4 × -4 और नीचे में 3 × 3 × 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 × 4 जो हमारा हो जाएगा 16, 16× 4 जो हो जाएगा 64। प्लस होगा या माइनस वो भी चेक कर लेते हैं। तो माइनस माइनस पहले तो प्लस हुआ, लेकिन उसके बाद फिर प्लस और माइनस माइनस हो गया, तो साइन यहाँ पे माइनस का लग जाएगा। नीचे में 3 × 3 = 9 और 9 × 3 = 27, तो -64/27 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। बताया ना मैंने आपको कि बस एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझने की देरी है, उसके बाद आपसे ईजिली सॉल्व हो जाएंगे और टाइम भी आपका बहुत ज़्यादा बचेगा। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 6 ले लिया है, क्योंकि इसी टाइप से मैं क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है सेम इसी तरीके से बनेगा, जो हमारा 6 नंबर है, बस वहाँ पे जो -3 है उसके नीचे एक 1 छुपा हुआ है, और यहाँ पे हमारे पास जो नंबर है वो दोनों हमारे फ्रैक्शन में दिए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे हमारे पास फिर से वही -1 है पावर में, तो फॉर्मूला यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि हमको पता है a/b के पावर में अगर -1 रहता है तो वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट इक्वल टू हो जाता है b/a, ठीक है, और वो -1 जो है +1 में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे करेंगे, 5/7 है, -1 है पावर में, तो इसे हम लिख देंगे 7/5, ठीक है, और पावर में 1 हो जाएगा प्लस में, तो उसका भी कोई वैल्यू है नहीं, क्योंकि 5 × 1 यानी कि 5 ही, और 7 × 1 यानी कि 7 ही रहेगा, समझ में आ गया। तो ये हमारा 7/5 हो जाएगा। उसी तरीके से मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे ये वाला, और इधर वाले नंबर को भी हमारे पास -1 है, तो ऊपर नीचे चेंज कर देंगे, इसका रेसिप्रोकॉल लिख देंगे। ये हो जाएगा हमारा 4/7, क्योंकि 7/4 था, तो अब ये 4 ऊपर 7 नीचे। अब देखिए ये 7 और ये 7 कट हो रहे हैं, क्या क्या बच गया, 4/5 बच गया, और यही हमारा लास्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद ना मल्टीप्लाई हो रहा है और ना कट हो रहा है। देखिए ना कितना इजी आंसर आ गया। तो बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके बाद तो पूरे क्वेश्चन आपसे चुटकी हो जाते हैं, सॉल्व हो जाएंगे। और क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के, ताकि और अच्छे से डाउट क्लियर हो सके आपका। आइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 समझ लेते हैं। क्या है हमारे पास क्वेश्चन, 5^-1 -7^-1 और फिर पूरे के पावर में -1 है। तो सबसे पहला काम यहाँ पे हमारे को फॉर्मूला वो लिख लेना है सबसे पहले तो आपको, कि a के पावर में अगर हमारे पास -n है या -1 है तो वो क्या हो जाता है हमारा 1/a हो जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे हमारा हो जाएगा 5 के पावर में हमारे पास -1 है तो ये 1/5 हो जाएगा, समझ में आ गया बात। उसी तरीके से यहाँ माइनस साइन है तो माइनस साइन हम लगाएंगे ही लगाएंगे। इस साइड हमारे पास 7 के पावर में भी -1 है तो ये भी हमारा हो जाएगा 1/7, ऊपर नीचे हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे एक 1 छुपा हुआ है, इसके नीचे भी एक 1 छुपा हुआ है, वही 1 ऊपर, और वो जो न्यूमरेटर में हमारा 5 है वो नीचे, 7 वाला न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा। और ये जो -1 है अभी इसका तो हमने यूज़ किया ही नहीं है, तो इसे हम इसी तरीके से रहने देंगे, ये दोनों बस हमारे भी यूज़ हुए हैं। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये क्या बन गया हमारा, -1 हो गया, फ्रैक्शन में भी हमें माइनस करना है, तो जल्दी से हम एलसीएम ले लेते हैं और माइनस कर देते हैं। तो एलसीएम लेने के बाद 5 और 7 का एलसीएम कितना होगा, दोनों हमारे एक प्राइम को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है ना, एक दूसरे के टेबल में कोई नहीं आता, तो 5 7 जो हमारा 35 इसका डायरेक्ट एलसीएम हो जाएगा। ये छोटी सी एक ट्रिक है, आप इसका एलसीएम फाइंड करके भी देख सकते हैं, आपको 7 और 5 का एलसीएम 35 ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 35 हो गया, 35 से हम 5 को डिवाइड देंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा कितना, 35 से 5 डिवाइड करने के बाद 7, और 7 के ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा। उसी तरीके से माइनस का साइन लगाएंगे, 35 से 7 को डिवाइड देंगे तो आंसर हो जाएगा 5, क्योंकि 7 × 5 = 35 होता है, तो आंसर हो गया 5, और उस 5 का हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 5 × 5 हो जाएगा।
और ये भी ब्रैकेट में ही रहेगा हमारा, ऊपर में माइनस वन रहेगा, समझ आ गया। अब अगले स्टेप में हम इसे माइनस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2/35 और पावर में माइनस वन, फिर से वही पावर माइनस वन वाला हो गया, यानी ये जो हमारा फॉर्मूला था ये वाला फॉर्मूला अब यहाँ पे फिर से पुट होगा, क्योंकि अब ये हमारा फिर से पावर में माइनस वन है, तो फिर से हमारे इसका डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर आपस में प्लेस चेंज कर लेंगे, यानी ये हो जाएगा 35/2 और ये हमारा अब लास्ट आंसर हो जाएगा इसके आगे, अब क्योंकि ये कट हो ही नहीं रहा है, 35 जो है 2 के टेबल में आएगा ही नहीं, तो बस यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना था। और भी क्वेश्चंस ले लेते हैं कुछ क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा बड़ा सा आपको दिख रहा होगा, तो बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं उस क्वेश्चन देख करके। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो सेम टू सेम आपको क्वेश्चन नंबर जो 7 मैंने आपको बताया था लास्ट वाले वीडियो में, उसका क्वेश्चन नंबर 7 के 5 की तरह ही बनेगा। यहाँ सबसे पहले आपको माइनस करना है और उसके बाद यही वाला फॉर्मूला आपको लगा देना है, तो 8 वाला आप उस वीडियो को अगर देखे होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, 7 का जो 5 नंबर का क्वेश्चन था उसी से सेम टू सेम उसी की तरह ये बनेगा। हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं 9 वाला, क्योंकि ये थोड़ा सा नया टाइप से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या है, ब्रैकेट में हमारे पास 3/2 है और यहाँ पे माइनस वन है, उसी तरीके से डिवाइड बाई माइनस टू है स्मॉल ब्रैकेट पहले, उसके बाद फिर हम स्क्वायर ब्रैकेट या फिर आप यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। इधर है हमारे पास -2/5 के पावर में माइनस वन और ये फिर ब्रैकेट क्लोज है हमारा, ठीक। तो ये हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9, दिख तो बहुत बड़ा आ रहा है लेकिन देखिएगा ये भी इसी तरीके से इजीली सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हमको काम पता है कि माइनस वन और माइनस वन रहता है अगर पावर में, तो हम क्या कर देते हैं, सबसे पहले इन दोनों को आपस में चेंज कर देते हैं। तो फॉर्मूला यहाँ पे आप जरूर लिखिएगा अगर पेयर में बनाएंगे तो, मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट करके दिखा देता हूँ। ये हो जाएगा हमारा 2/3 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा हमारा ऊपर नीचे, तो -5/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप इसे 2/5 -5 भी लिख सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको लास्ट में ऊपर में ही इसे माइनस को कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म यही है कि माइनस का साइन ऊपर ही रहता है, तो वही रैशनल नंबर वाले जो चैप्टर में मैंने आपको बताया था ना, -1 और -1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके हम माइनस के साइन को ऊपर करते हैं, तो वो काम आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट करके बता दिया, ये 2 हमारा नीचे हो जाएगा, 5 ऊपर हो जाएगा, लेकिन माइनस का साइन ऊपर में ही रहेगा, ठीक। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये डिवाइड में है, तो डिवाइड वाला हमको पता ही है कि जब कभी भी टू रैशनल नंबर्स, यानी कि दो जो हमारे पास नंबर रहते हैं पी वाई क्यू के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में, और उनको जब डिवाइड किया जाता है तो एक्चुअल में डिवाइड नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं राइट साइड वाले नंबर के रेसिप्रोकॉल से, यही रूल था हमारा, तो हम यही वाला रूल यहाँ पे फॉलो कर देंगे जो हमारा फ्रैक्शन में रूल था। 2/3 का 2/3 ही रहेगा, ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और ये नंबर्स हमारे ऊपर नीचे कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी 2/-5 हो जाएगा, समझ आगे बात। फिर से ये 5 जो है, सॉरी माइनस का साइन जो नीचे आ गया है, तो इसको भी आप यहाँ पे ऊपर में डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे आप ना लिखें -5 को, उसको डायरेक्ट ऊपर में लिख लें, क्योंकि फिर वही आपको बार बार एक ही स्टेप दोहराना पड़ेगा, -1 मल्टीप्लाई -1 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो वो उससे कुछ फ़ायदा होता नहीं है, बस एक स्टेप फालतू में बढ़ जाता है, तो माइनस का साइन को आप ऊपर ही रखें, ये ध्यान देंगे, ठीक। अब ये आपका क्या हो जाएगा, 2 2 जब 4 जो कि माइनस में आएगा, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस में, और नीचे में 3 5 जा 15, तो -4/15 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए कितनी इजी से आंसर आ गया, एक बार बस कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा ना, उसके बाद आपसे इजीली सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे सभी क्वेश्चंस। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर जो इसका 10 है, हो सकता है कुछ बच्चे उसमें कन्फ्यूज हो जाए, लेकिन बहुत ही वो ईजी क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर हमारा 10 दिया हुआ है, मैं उसको यहीं पर आपको समझा देता हूँ, हमारे पास थोड़ा सा जगह है यहाँ पे। क्या क्वेश्चन है वो, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 9 का 10, हाँ ये रहा 10 नंबर में 23/25 है और पावर में 0 है, तो हमको पता है कि जब कभी भी किसी भी नंबर के पावर में 0 रहता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो बस इसका ब्रैकेट ओपन होगा और इसका आंसर इक्वल टू 1 लिखना है आपको, और इसमें कुछ नहीं करना, बस एक चीज़ ध्यान रखें कि यहाँ पर ज़रूर बता दें कि जो फॉर्मूला है कि a/b अगर है और उसके पावर में अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है, किसी भी नंबर के अगर पावर में 0 है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 है तो 1/1 यानी कि 1 हो जाएगा इसका वैल्यू, समझ में आ गया बात। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर इसके 10 को सॉल्व करना था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं, सिंप्लीफाई जहाँ पे हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए 2 टाइप से क्वेश्चन है, ये जो फर्स्ट और सेकेंड है ये एक टाइप से बनेगा, थर्ड और फोर्थ जो है वो एक टाइप से बनेगा, तो फर्स्ट ही थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है सेकेंड के कंपेरिजन में, तो मैं फर्स्ट बता देता हूँ, उस तरीके से इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन जल्दी से आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। चलिए जल्दी से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ये भी बहुत ईजिली आपको सॉल्व हो जाएगा अगर आपने फॉर्मूला समझ लिया है तो। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अंदर में हमारी स्मॉल ब्रैकेट में 1/4 है, उसके पावर में 2 है,
ठीक है। उसके बाद फिर हमारा कर्ली ब्रैकेट है, उसके पावर में हमारे पास -2 है, और लास्ट में हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट है, उसके पावर में -1 है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? कुछ नहीं करना आपको, स्टेप बाय स्टेप बस केवल ब्रैकेट्स को ओपन करने हैं। किस तरीके से, आइए समझाता हूँ। सबसे पहले आप स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ठीक है, बाहर वाले ब्रैकेट्स को भी रहने देंगे। तो ये हमारा ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट रहेगा ही, स्मॉल ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -1 की पावर में 2, ठीक है। तो -1 की पावर में आप यहाँ पे 2 लिख दें, उसी तरीके से नीचे 4 की पावर में 2 हो जाएगा, समझ में आ गया। और ये कर्ली ब्रैकेट के बाहर जो -2 है वो रहेगा ही, और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर -1 है वो भी अभी रहेगा। तो कभी भी -1 की पावर में अगर इवन नंबर रहता है तो शॉर्ट ट्रिक क्या बताया था मैंने आपको, कि उसका जो आंसर होता है +1 होता है, और अगर ऑड नंबर है तो -1 होता है। यहाँ पे पावर में इवन नंबर है यानी कि 2 है, तो इसका आंसर हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई -1 यानी कि +1। उस तरीके से नीचे में 4 4 जाए हमारा 16 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा कर्ली ब्रैकेट के बाहर में -2 और फिर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर में -1, ठीक है। ये हमने स्मॉल ब्रैकेट ओपन किया तो हमें ये आंसर मिला। अब आपको क्या दिख रहा है, -2 है लेकिन यहाँ पे हमारे पास 1/16 है। तो हमको फॉर्मूला क्या पता है कि अगर पावर में कोई भी -16 नंबर है, ठीक है, तो सबसे पहले हमें उसे प्लस में कन्वर्ट करना पड़ता है, यानी -2 को +2 बनाना पड़ता है। और उसके लिए हमारा जो अंदर में जो हमारे पास नंबर है, जो भी बेस नंबर है हमारा, इसे हम बेस कहते हैं और इसे हम एक्सपोनेंट कहते हैं। तो ये जो हमारा बेस है इसे हम कन्वर्ट कर देते हैं, ऊपर नीचे कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 16/1 के पावर में +2 और फिर पूरे के पावर में -1। ये हमारा कन्वर्ट हो गया प्लस में माइनस से, ठीक है। यहाँ पे आप फॉर्मूला जरूर लिखें, जब कभी भी इसे कन्वर्ट करें ना तो फॉर्मूला आप जरूर बता दें कि हमारा जो फॉर्मूला है, कि कभी भी हम जब a/b के पावर में हमारे पास -m होता है तो उसे हम b/a के पावर में m कर देते हैं, +m, ठीक है। इस तरीके से फॉर्मूला हर बार जरूर लिखते जाएं, समझ आ गई बात। तो यहाँ पे हमने वही काम किया है, फॉर्मूला को कन्वर्ट कर लिया है प्लस में, ठीक है, जो पावर में था। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। तो हमारा ये 16 के पावर में 2 है, तो ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई 16, और नीचे 1 मल्टीप्लाई 1 होगा तो उसका तो कोई वैल्यू है ही नहीं, ठीक है, तो उसको हम नहीं लिखते हैं। 1 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 2 होगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसे हम यहाँ पे अब नहीं लिखते हैं। या फिर अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, क्योंकि आगे चल के हमको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे -1 है, फिर से ऊपर नीचे होगा, तो चलिए लिख ही देते हैं 1 मल्टीप्लाई 1, ठीक। तो 16 का स्क्वायर अगर याद है तो डायरेक्ट लिख दें, मैंने आपको बताया था ना स्क्वायर आप 20 तक याद कर लें ज़्यादा बेहतर है, याद नहीं है तो आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। जैसे मेरे ध्यान से उतर गया 16 का स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 6 6 हमारा हो जाता है 66 का 6, कैरियो के 3 6 1 6 और 3 9, यहाँ पे 1 6 6 और 1 1 1, ये हो जाएगा 6 9 6 15 का 5, कैरियो के 1 1 और 1 2, तो 256 हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। और नीचे में 1, और यहाँ पे हमारे पास पावर में फिर से -1 है, और -1 जब रहता है तब वो फॉर्मूला पता ही है कि हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे फिर से कन्वर्ट कर देते हैं, और वो +1 में चेंज हो जाता है, और फिर 1 का कोई वैल्यू नहीं है तो उसे हम वहाँ से हटा देते हैं। यानी कि अब ये क्या हो जाएगा, 1/256 इसका आंसर हो जाएगा, बस यही आपका फाइनल आंसर है। इस तरीके से आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्व करना था। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं, जो 4 और 3 दोनों सेम बनने वाले हैं, सेकंड इसी तरीके से बनेगा, आप खुद ट्राई कीजिए बनाना, वो और ईजी है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से भी। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 बता देता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे हमारे पास जो दोनों नंबर्स हैं वो सेम टू सेम है, यानी क्वेश्चन नंबर जो 8 था ना हमारा, जो लास्ट वीडियो मैंने वो बढ़ाया था, उसी के तरीके से ये बनेगा। वहाँ पे बस हमारे पास मल्टीप्लाई था, यहाँ पे ये डिवाइड में है, इज़ दैट क्लियर। तो डिवाइड का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर सेम नंबर डिवाइड में है और पावर अगर अलग अलग है तब क्या होता है। अगर इस तरीके से फॉर्मूला मेरा जो याद है आपको भी याद करना जरूरी है एकदम, अगर a/b और डी के पावर में m है और डिवाइडेड बाई a/b सेम नंबर के पावर में n है, तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, a/b पावर में m-n, ये बन जाता है। यानी ये नंबर सेम रहेगा, पावर वाला जो नंबर है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो पहला वाला हमारा m रहता है, सेकंड वाला n रहता है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कि अब बड़े नंबर से हम छोटे नंबर को माइनस करने के चक्कर में 6 -3 लिख दिए, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको एक बार लिखेंगे इस तरीके से, -3/2 पावर में 3-6, ये m और ये n, तो m-n हो जाएगा हमारा। अब क्या हो जाएगा, 3 में से 6 माइनस हो नहीं सकता है, 6 में से 3 माइनस होगा तो 3 आएगा आंसर, लेकिन बड़े वाला नंबर 6 में माइनस साइन है तो साइन माइनस का लग जाएगा, यानी ये हो जाएगा -3/2 पावर में -3। अब माइनस वाला नंबर हो गया है हमारे पावर में, तो आपको मैंने पहले ही बताया कि जब कभी पावर में माइनस हो जाता है तो हमें क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर
ठीक, ताकि आपको मतलब जब आपके टीचर चेक करे तो उनको समझ में आ जाए कि आपने कौन सा फॉर्मूला पुट किया है। तो हमने क्या फॉर्मूला पुट किया कि पावर वाला जो माइनस है उसे प्लस में कन्वर्ट करने वाला फॉर्मूला पुट किया। तो क्या होता है उसमें, ये दोनों आपस में अपना प्लेस चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2/3। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये जो है माइनस का साइन वो अभी 3 के साथ तो नीचे आ जाएगा, लेकिन लास्ट में हमें पता ही है कि एक्स इसका जो वो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म उसमें जो माइनस का साइन रहता है वो न्यूमिरेटर में ही रहता है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट भी ऊपर में ही -2 लिख सकते हैं, अदरवाइज अगर आप इसे 2/-3 लिखेंगे तो बस वही फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा आपको, फिर -1 × -1 ऊपर नीचे और फिर आपका माइनस का साइन ऊपर चल जाएगा, जैसे रैशनल नंबर में आपने सीखा था। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इसी चीज़ को कर देंगे, यानी कि नीचे यहाँ माइनस नहीं ले जाएंगे हम, डायरेक्ट ऊपर भी -2 लिख देंगे। ठीक है, तो पावर में हमारा क्या हो जाएगा, ये अब 3 प्लस में हो जाएगा। अब बस आप ब्रैकेट ओपन कीजिए और इसे सॉल्व कर दीजिए, यानी कि 2 के पावर में हो जाएगा, सॉरी -2 के पावर में 3 और नीचे 3 के पावर में 3। तो ये हो जाएगा -2 × -2 × -2 और नीचे में हमारे पास 3 × 3 × 3। तो 2 × 2 = 4 और 4 × 2 = 8। और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, प्लस और माइनस माइनस, तो यहाँ पे साइन माइनस का लग जाएगा। नीचे 3 × 3 = 9 और 9 × 3 = 27, तो -8/27 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 10 के क्वेश्चंस को पूरे जो भी बच गए हैं उनको अब सॉल्व करना है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको इससे रिलेटेड जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और भी जो है क्वेश्चन हैं उन्हें समझाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।